मेलबर्न टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत ने 82 रन की बढ़त भी बना ली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 195 रनों पर सिमट गई थी। मेलबर्न टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऋषभ पंत ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो वर्ल्ड क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी नहीं कर सके थे। पंत का बेमिसाल रिकॉर्ड। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन ऋषभ पंत ने सिर्फ 40 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली। पंत की ये पारी भले ही छोटी रही हो, लेकिन इस पारी के दौरान उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं बना पाए। पंत ने अपनी इस पारी में जैसे ही 25वां रन पूरा किया, उन्होंने अपना नाम दिग्गजों की लिस्ट में शामिल करवा लिया, क्योंकि ऋषभ पंत दुनिया के ऐसे चौथे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लगातार 8 पारियों में 25 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। पंत से पहले सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी ही ये काम सका था। चलिए आपको उन खिलाड़ियों के नाम बताते हैं जिन्होंने ये कमाल किया है। ऑस्ट्रेलिया में लगातार 8 पारियों में 25 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल सबसे पहले इंग्लैंड के वॉली हैमंड्स ने किया था। इसके बाद ये कमाल किया वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान सर विवियन रिचर्ड्स ने। रूसी सुरती भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लगातार 8 पारियों में 25 या उससे ज्यादा रन बनाए थे, और अब ये कमाल ऋषभ पंत ने कर दिखाया। पंत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद ही शानदार है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 8 पारियों में 54 की औसत से 379 रन बनाए हैं, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में पिछली 8 पारियों में पंत के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 25, 28, 36, 30, 39, 33, नाबाद 159 और 29 रन बनाए हैं। पंत के इस रिकॉर्ड के बाद भी फैंस हुए नाराज। ऋषभ पंत ने 40 गेंदों पर 29 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए, लेकिन उनकी इस पारी के बावजूद भी फैंस ऋषभ पंत से नाराज नजर आए। पंत के फैंस का मानना है कि भले ही उन्होंने बेमिसाल रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन वो और ज्यादा लंबी पारी खेल सकते थे। उनके फैंस का ये भी मानना है कि उन्हें इस टेस्ट मैच में साहा की जगह टीम में शामिल किया गया है, तो उन्हें अपनी जगह पक्की करने के लिए बल्ले से बड़ी पारियां खेलनी होंगी, और पंत में बड़ी पारियां खेलने का दमखम है। तभी तो उन्होंने अपने छोटे से टेस्ट कैरियर में 2 शतक भी लगाए हैं, और खास बात यह है कि वो दोनों सेंचुरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के देशों में आई हैं। और पंत के फैंस तो उनके बल्ले से चौके छक्कों की बारिश देखना चाहते हैं, और जितनी देर तक पंत मैदान पर रहेंगे वो चौके छक्के लगाते रहेंगे। हालांकि मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में वो सिर्फ 3 ही चौके लगाकर आउट हो गए। इसी वजह से पंत के फैंस ये कह रहे हैं कि पंत तूने ये क्या किया। दोस्तों, पंत ने बेमिसाल रिकॉर्ड तो अपने नाम कर लिया, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। आपको क्या लगता है कि उन्हें टिक कर बल्लेबाजी करनी चाहिए ताकि वो बड़ी पारी खेल सकें, या फिर उन्हें इसी तरह से तेज तर्रार तरीके से खेलना चाहिए? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज क्रिकेट सूत्रा को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।